प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने 11वें पाठ थोड़ी धरती पांव के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। हमने अब तक अपने मौखिक और लिखित प्रश्नों को पूरा कर लिया है। और बच्चों, लिखित प्रश्न भी हमारे कौन कौन से थे? एक है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जो कि सामान्य उत्तर थे। और दूसरा है सोचो और लिखो। तो इसमें हम, आप जानते हैं, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इसे अपने अनुसार हमें लिखना था। तो ये दोनों ही प्रश्न हमने चर्चा के द्वारा ही किया है। और अब आगे बढ़ेंगे, आज हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो हमने अपने मौखिक प्रश्नों को चर्चा से किया और जो लिखित प्रश्न, कुल मिला के लिखित हमने 6 प्रश्नों को किया है। और आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। आज हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, जो कि है बहुविकल्पी प्रश्न तीसरा। ये भी लिखित के अंतर्गत ही आएगा और इसे आप अपने पाठ्यपुस्तक में कर सकते हैं, क्योंकि जगह दिया हुआ। लिखित प्रश्न है तीसरा। सही उत्तर के सामने टिक लगाएं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला है क। शाखे कटने पर कौन बच्चों की तरह रोते हैं? शाखे, शाखे एक पेड़ की शाखाओं के बारे में कहा जा रहा है। शाखे कटने पर, शाखे कटने पर कौन बच्चों की तरह, कौन बच्चों की तरह रोते हैं? हमारे विकल्प दे रखे हैं, 3 विकल्प दे रखे हैं। पहला है पेड़, दूसरा विकल्प है सपने, और हमारा तीसरा विकल्प है पत्ते। तो बच्चों, 3 विकल्प में हम सीधा कविता भी चलते कि शाखे, शाखे मतलब पेड़ की शाखाओं से। शाखे कटने पर कौन बच्चों की तरह रोते हैं? ये हमारे कविता का ही, कविता से ही मैं पढ़ देता हूं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा है। एक एक पत्ते पर हम सब के सपने सोते हैं। ये कविता का भाग है, मैं कविता ही पढ़ रहा हूं, कहेंगे काव्यांश है, कविता का अंश काव्यांश कहलाता है। एक एक पत्ते पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। तो ये पत्तियों की बात की जा रही कि हर एक पत्ता जो होता है वह जरूरी है। अगर हम पेड़ों के शाखाओं को, डालियों को ही काटेंगे तो बेचारे बच्चों की तरह रोते बच्चे, क्योंकि शाखा काटने से उनकी भी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए वे शिशुओं की तरह, बच्चों की तरह रोते हैं। तो एक इनकी बात की जा रही है। पेड़ गलत विकल्प, सपने भी गलत विकल्प है, पत्ते सही। अब अगले हमारा दूसरा है, दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है। सभ्यता कौन सा जहर बांट रही है?
हमारा ख सभ्यता, सभ्यता कौन सा जहर, कौन सा जहर बांट रही है और विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले बच्चों इसे समझा जाए होता क्या है। सभ्यता कौन सा जहर बांट रही है? हम लोग अपने आप को कह रहे हैं कि जो ये सभ्यता है, सारी दुनिया बड़ी तेजी से विकास कर रही है, हमने बहुत सी चीजें खोज ली हैं, बहुत से आविष्कार कर लिए हैं और मनुष्य पहले इसकी तुलना में अधिक तेजी से विकास कर रहा है, सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो ये हमारी आज की सभ्यता है जो सभी मनुष्यों की सभ्यता है। इस सभ्यता के कारण क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ पे कौन सा जहर बांट रही है? क्योंकि अब हम अपनी सुविधा के लिए बहुत सी चीज़ें को बनाने लगे हैं और गाड़ियों का प्रयोग भी बढ़ गया है और गाड़ियों में बच्चों क्या होता है, जो हम ईंधन डालते हैं चाहे पेट्रोल डीजल हो, तो जब उसे जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑक्सीजन तो हमें पेड़ पौधे देते हैं। जो पहला विकल्प ऑक्सीजन लिखा है ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें पेड़ पौधे देते हैं। नाइट्रोजन ये हमारे वायुमंडल में खुद ही मौजूद है, तो ये बहुत अधिक प्रतिशत में है, 78% है, 78% नाइट्रोजन है कहा जाता है और ये हमारे वायुमंडल में बहुत पहले से ही मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही जहर है, चाहे हम कोयला जलाएं, चाहे हम डीजल या पेट्रोल का प्रयोग करें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रदूषण का कारण है। जब भी हम डीजल, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी या अन्य जो कि ईंधन होते हैं उनको जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ये जहर का काम करती है। इसी के कारण से प्रदूषण बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो सभ्यता कौन सा जहर बांट रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम सभ्य बन रहे हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो यातायात के साधन हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, तो इन सब से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो सभ्यता कौन सा जहर बांट रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का जहर बांट रही है। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न। अब हम चलते हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो ये भाषा से के अंतर्गत आता है, आज हम इसको करेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए बच्चों, इसको तो आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। शाखे कटने पर कौन बच्चों की तरह रोते हैं? तो सही विकल्प है पत्ते। पत्ते ही बच्चों की तरह रोते हैं। सभ्यता कौन सा जहर बांट रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का जहर ही बांट रही है, तो सही विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम अपने
अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये है भाषा से, ये भाषा से के अंतर्गत आएगा। भाषा से, भाषा से। और पहला प्रश्न है, और बच्चों आपको पता है व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो आते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक के, वो हमारी व्याकरण के पुस्तक से भी आएंगे और यहाँ से भी आएंगे। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है खुलते पंख, उसमें से भी ये व्याकरण संबंधित प्रश्न भाषा से के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें है, इन शब्दों के दो दो समान अर्थी लिखो। समान अर्थी मतलब पर्यायवाची। प्रश्न है, इन शब्दों के, इन शब्दों के दो दो समानार्थी, समान समानार्थी लिखो। कौन कौन से हैं? पहला हो गया धरती, धरती के हमें दो लिखने हैं, उसके बाद हवा के भी हमें दो लिखने हैं, उसके बाद में खुशबू, खुशबू के भी दो लिख रहे हैं, चिड़िया और शब्द दिया है, चिड़िया उसके बाद चलते हैं पेड़, उसके बाद फूल। तो चिड़िया के भी दो समानार्थी, फूल के भी और पेड़ के भी समानार्थी। तो समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द, जिनका अर्थ एक समान हो, या हम इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो समानार्थी का दूसरा नाम है पर्यायवाची शब्द। लिखना शुरू करते हैं। धरती का हमने कर रखा था बच्चों अपने व्याकरण के पाठ में, धरती का धरा, और पृथ्वी, पृथ्वी। अगला है हवा का, पवन होता है, और वायु। खुशबू का सुगंध, आगे चलते हैं। चिड़िया को पंछी या पक्षी दोनों ही कहा जाता है, पक्षी पंछी, खग भी कहा जाता है, अगर खग लिखना चाहें तो खग भी लिख सकते हैं, खग। चिड़िया को खग भी कहा जाता है, पंछी भी, पक्षी भी, तो हमें दो ही लिखने। पेड़ को तरु, पादप, वृक्ष, हमें केवल दो लिखना है, तो हम लिखेंगे वृक्ष। और
तरु, फूल, फूल को सुमन और पुष्प, सुमन और पुष्प, तो ये थे बच्चों समानार्थी। और ये आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे क्योंकि जगह दिया गया है। इन शब्दों के दो दो समानार्थी लिखो, तो भाषा से के अंतर्गत ये है और इसे याद भी करना है। खासकर इन जो समानार्थी शब्द हैं वह परीक्षा में आते ही हैं, आपको पता है, तो इसको आपको लिख के याद करना है। तो कौन कौन से एक बार मैं दोहरा देता हूँ फिर से, और याद करने से याद होगा। धरती को धरा और पृथ्वी कहा जाता है, हवा को पवन और वायु कहा जाता है, और खुशबू को सुगंध या महक कहा जाता है। ठीक उसी तरह चिड़िया का पंछी खग, पेड़ का हो गया वृक्ष तरु, फूल का हो गया सुमन और पुष्प, सुमन और पुष्प। अब हम विलोम पे आ जाएंगे। विलोम का आपको परिभाषा पता है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो हमारे विलोम शब्द कुछ दिए हैं हम, इनके हमको ताजी, खुशबू, शांत, खोना, पाना, इन सब का विलोम हमें लिखना है। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारे दूसरे प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम विपरीतार्थी शब्द भी बोला है, विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है, या आम भाषा में हम कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो ये दूसरा प्रश्न हमारा यही है। इन शब्दों के विलोम लिखो, विलोम लिखो। पहला है ताजी, खुशबू, शांत, इसके अलावा है खोना, बढ़ना, दुष्कर्म। तो हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम की मैंने परिभाषा एक बार आपको बता दी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो विलोम शब्द का दूसरा नाम विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है, या आम भाषा में कहते हैं उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। तो विलोम शब्द के तीखे नाम हमारे, तो ताजी का बासी, ताजी का क्या होगा बच्चों, बासी, ये होगा ताजी का बासी। खुशबू का बदबू, खुशबू का बदबू, शांत का अशांत,
खूना का पानी। खूना का पानी, घटना का, अरे बढ़ना का घटना या घटना का बढ़ना, ये भी बहुत अच्छा है कि जब हम विलोम शब्द कहते हैं तो इस पे भी जरा ध्यान देना है। दुष्कर्म का सुकर्म, अच्छे कर्म को सुकर्म कहा जाता है। सुकर्म अर्थ होता है हिंदी में अच्छा, सुकर्म अच्छे काम, अच्छे कर्म सुकर्म। अब जरा इसे समझा जाए, जैसा कि विलोम है, ताजी का बासी, अगर कोई बच्चा अगर एग्जाम में आ जाएगा परीक्षा में कि बासी का क्या होगा तो हम लिखेंगे ताजी। खुशबू का बदबू, और बदबू का खुशबू। शांत का अशांत, और शांत का शांत। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये है परिभाषा विलोम शब्द की, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो खोना का पाना, अगर पानी का क्या विलोम होगा, खोना। बढ़ना का घटना, घटना का क्या विलोम होगा, बढ़ना। दुष्कर्म का सुकर्म, सुकर्म का दुष्कर्म। तो ये दोनों तरह से हमें याद करना है। कुछ बच्चे यहीं का आगे का याद रखते हैं, उत्तर याद कर लेते हैं, बाद में अगर ये दे दिया तो फिर आगे वाला नहीं लिख पाते। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो ये है हमारा, हमने आज समानार्थी किया और विलोम शब्द को लिखा है और याद भी किया है। तो फिर से एक बार देख लो, मैं मिटाने से पहले एक बार फिर से इसको आपको करवा देता हूँ। इन शब्दों के विलोम लिखो, ताजी बासी, खुशबू बदबू, शांत अशांत, खोना पाना, बढ़ना घटना, दुष्कर्म सुकर्म। तो ये था हमारा विलोम शब्द, आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे, जगह दिया हुआ। अब आ जाते हैं अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों इसको हमें नोटबुक में करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं दिया गया। अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसमें शब्द एक है, इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसको हम, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो हमारा है तीसरा प्रश्न है, अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तीसरा है, अनेक अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, वाक्यों में प्रयोग करो, पहला है फल, तो इसको इस तरह से हम चलो चलते हैं, यहां लिखते हैं फल, फल के दो अर्थ हैं, कौन कौन से अर्थ हैं? पहला अर्थ होता है जैसे कि आम सेब आदि, जैसे कि हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा है, उदाहरण है आम सेब आदि, ये पेड़ पे मिलते हैं, पेड़ से हमें प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से फल मिलते हैं, आपको भी पता है। दूसरा है परिणाम या नतीजा, इसका दूसरा अर्थ है परिणाम
नतीजा। परिणाम या नतीजा इसको भी बोलते हैं। परीक्षा फल आपने सुना होगा कि परीक्षा फल मतलब क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट, परिणाम नतीजा। और इसका जब हम अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है तो हमें बच्चों को नहीं पता होता, वो अर्थ का प्रयोग कर देते हैं। हमें जो वाक्य बनाना है वो फल का बनेगा, न कि उसके अर्थ का बनेगा। तो फल के एक से अधिक अर्थ हैं, इसीलिए इसे अनेकार्थी शब्द कहा गया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेक अर्थों वाला शब्द, जैसे फल, फल हमें पेड़ों से भी प्राप्त होता है, या नतीजा या परिणाम को भी फल कहा जाता है। आपने सुना है ना, परीक्षा फल आ गया, ठीक है। तो फल के दो अर्थ होते हैं, पेड़ों से प्राप्त या फिर परिणाम या नतीजा। तो इनके हम वाक्य बनाते हैं, तो हम अर्थ के नहीं वाक्य बनाएंगे, फल के ही बनाएंगे। मुझे मुझे खाने में सभी फल पसंद है। खाने में फल पसंद है या सभी फल पसंद हैं। तो वाक्य है फल का। बुरे काम का फल भी बुरा होता है, ठीक है। बुरे काम का फल भी बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। तो देखो बच्चों, फल का हमने यहां भी प्रयोग किया है और यहां भी किया है। तो बच्चे कभी कभी जब परीक्षा में उनको कहा जाता है कि आप इसका वाक्य बनाओ, तो वे अर्थ का वाक्य बना देते हैं। हमें जबकि वाक्य बनाना है फल का, हमें वाक्य किसका बनाना है, फल का ही वाक्य बनाना है। तो न कि उसके अर्थ का वाक्य हमें नहीं बनाना है। तो हम लिखेंगे, जैसे फल है तो यहाँ पे जो वृक्षों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे फल कहते हैं। मुझे खाने में फल पसंद है। तो ये यहाँ किस फलों की बात किया गया है, सेब, केला आदि जैसे जो वृक्षों से हमें प्राप्त होते हैं उसे फल कहा गया। अब नीचे वाले दूसरे ही वाक्य में, यहाँ पे हम किसका फल का वाक्य बना रहे हैं, इसमें फल का क्या अर्थ है, परिणाम या नतीजा। बुरे काम का फल भी बुरा ही होता है। अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसे बुरा ही उसका परिणाम भी क्या होगा, उसका नतीजा परिणाम क्या होगा, वह भी बुरा ही हो। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। फिर से एक बार, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। और हमें अनेकार्थी शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना था, तो इस शब्द का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, न कि उसके अर्थ का। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी का करते हैं, इसीलिए मैं बार बार इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फल का हमने क्या वाक्य बनाया, मुझे खाने में फल पसंद है, मुझे खाने में फल पसंद है। और दूसरा इसका अर्थ है, बुरे काम का फल भी बुरा ही होता है। तो बच्चे दो और हैं, इसके बारे में आप करिएगा, कल हम इन्हें करेंगे। एक है मत और दूसरा है सोना। तो इसको आप देखिएगा, इसको हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।